लोगों की रोजी रोटी छीनोगे तो आप किस तरफ जाएंगे? लोग आप खुद ही टेररिस्ट बना रहे हो ना। हमारे 600 कर्मचारियों के ऊपर गर्दन के ऊपर तलवार लगा दी थी इन्होंने जो है, और एक NEP नाम पे जो है इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है अडानी अंबानी के हाथों में, भारत सरकार में बैठे हुए लोग जो है अडानी अंबानी के हाथों में बेचना चाहते हैं। जिस तरह पे देशों को बेच दिया, MTL को बेच दिया, अब ये राष्ट्र की शिक्षा है, क्योंकि इसमें सारे गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं। पूरे ही सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, अडानी अंबानी के हाथों में बेचना चाहते हैं। तो उनको वो झूठे आश्वासन देंगे कि हाँ हम कर देंगे, अभी जल्दी ही हम निकालेंगे, एड निकालेंगे, आप लोग तैयारियां करना, आप लोगों को ही लगा लेंगे, सबसे बड़ी बात आप लोगों को ही लगा लेंगे, इस तरह के झूठे आश्वासन देकर उनको उन्होंने इतना बेवकूफ बनाया। बिल्कुल तानाशाही कर रही है सरकार। अब वो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो भी तो पेंशन ले रहे हैं, तो गरीब लोगों का क्यों पेंशन बंद किया जाए? छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी पेंशन होती है, अब उसको भी बंद करके वो क्या क्या हासिल करना है? इसको प्रजातंत्र थोड़ा ही कहेंगे, वो तो तानाशाही बोला जाएगा। हर जगह पे आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हो, वो चीज बहुत गलत है। हम उस सरकार को वोट देंगे जो सरकार OPS बहाल करेगा, जो सरकार जिसके मैनिफेस्टो के अंदर OPS नहीं लिखा होगा उस सरकार को हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। नमस्कार, मैं नूरजा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है कि शिक्षा बचाओ जीविका का अधिकार रक्षा करो, तो उसी को लेकर ये एकत्रित हुए हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि क्यों आए हैं, इनकी क्या मांगे हैं, उसी को लेकर हम बात करेंगे। मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी आज जो है अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ का ने जो अध्यक्ष का आज धरने का आंदोलन किया जंतर मंतर पे, उसमें 3-4 चीज़ें मेन है। नंबर वन, जो हमारा OPS जो है, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम के नाम से इन्होंने एक ऐसी मुहिम चला दी है कि अगर मैंने 30 साल की नौकरी करी तो मेरे को 800 रुपये पेंशन मिलेगी, अगर मैंने 25 साल की नौकरी करी तो मेरे को 600 पेंशन मिलेगी जो है। और जितने भी MP MLA और काउंसिल के जो इलेक्शन लड़ते हैं, 5 साल इलेक्शन लड़ेंगे एक पेंशन, एक चुनाव के बाद अगर वो विधानसभा जीत गया तो दूसरी पेंशन, अगर काउंसिल का जीत गया तीसरी पेंशन। जब हम सिस्टम में 30-35-35 साल नौकरी करते हैं तो हमको राइट है कि भाई हमको पेंशन मिले, हमारा बुढ़ापे का सहारा मिले जो है। दूसरी डिमांड ये है कि जो हमारे आजकल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर एक आउटसोर्सिंग के नाम पर इन्होंने कर रखे मुहिम जो है, क्योंकि भारत सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं आज की डेट में वो चाहते हैं कि सब जगह आउटसोर्स हो, किसी कर्मचारी को कुछ नहीं देना पड़े। 9000 सैलरी मिले, अभी आपने यहाँ सुना भी होगा कहीं 9000 सैलरी मिले, लेकिन हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो है अभी हमने जब हम जीत के आए तो समान काम समान वेतन का हमने लड़ाई लड़ी, और जितने हमारे साथी हैं कॉन्ट्रैक्ट के जो है उनको जो है समान काम समान वेतन दिलवाया जो है, बेसिक प्लस DA। हमारी डिमांड ये भी है इसके साथ साथ कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं बच्चे जो है जो सिस्टम के अंदर 20-20, 22-22, 25-25 साल से काम कर रहे हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। अभी तक मतलब रेगुलराइज भी नहीं किया गया है? अभी बेसिकली अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि ये तो जंतर मंतर, हमने वहाँ पे 4 नंबर गेट पे आंदोलन किया, हमारे 600 कर्मचारियों के ऊपर गर्दन के ऊपर तलवार लगा दी थी इन्होंने जो है। एक NTA नामक जो है भारत सरकार की एजेंसी है उसको थ्रू टेस्ट कराया। उससे पहले हमने एक आंदोलन किया था 42 दिन का, जिसमें हमारे डीन ऑफ कॉलेज जो है बलराम पानी जी और जो हमारे डायरेक्टर साउथ दिल्ली कैंपस है श्री प्रकाश जी, उन्होंने बोला कि हम 80% लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट के साथियों को पक्का करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आउट हुआ NTA के नाम से जो है तो एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, सारे के सारे फेल। फिर हमने 2 महीने का आंदोलन किया वहाँ पर, जो NTA ने रिजल्ट निकाला था उसको होल्ड में डलवाया, और अभी आने वाली 20 नवंबर से हम फिर आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो है कि कॉन्ट्रैक्ट के साथी जो सिस्टम में काम कर रहे हैं 15-15, 20-20 सालों से, उनको सिस्टम में लाया जाए, उनको पक्का किया जाए। और एक NEP नाम पे जो है इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये इसको जो है अडानी अंबानी के हाथों में, भारत सरकार में बैठे हुए लोग जो है अडानी अंबानी के हाथों में बेचना चाहते हैं। जिस तरह पे देशों को बेच दिया, MTL को बेच दिया, अब ये राष्ट्र की शिक्षा है, क्योंकि इसमें सारे गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं, किसी को फीस नहीं होती देने के लिए, वो बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन ये पूरे ही सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, अडानी अंबानी के हाथों में बेचना चाहते हैं। प्राइवेटाइजेशन तो फायदा हुआ है ना कि प्राइवेट अपना कुछ कर सकते हैं? नहीं, मेन तो ठीक है, आपने बात बड़ी है, लेकिन एक गरीब बच्चा जो है जिसके मदर फादर जो ठेली में काम करते हैं, वो फीस वहाँ पे फीस भी तो 1 लाख रुपये होगी, 2 लाख होगी, जब ऊपर अडानी अंबानी के बाद कोई फीस तो लेगा नहीं, वो 15-20 हज़ार जो है जो आज की डेट में, वहाँ तो 1-1.5 लाख फीस होगी, कहाँ से देंगे बच्चे वो जो है, वो ठेली वाला कहाँ से देगा, पटरी वाला कहाँ से पैसे देगा अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए? ये हमारा विरोध है जो है।
लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि 20-20 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक पक्का नहीं करा गया, तो उसको लेके आपने सरकार से पहले कुछ मांगे नहीं करी थी, बात नहीं करी थी? सरकार ने एक झूठे आश्वासन दिए हुए थे। देखो, 20 साल तक अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, इसका मतलब उसके काम से जो है सरकार है संतुष्ट थी, इसलिए उन्हें वो लगाते चले गए। नहीं तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे रखने का भी एक कंडीशन होता कि 6 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लगाया, इसका मतलब आप संतुष्ट थे, आप जान रहे थे कि उसकी कैपेबिलिटी है काम करने की, तो उनको वो झूठे आश्वासन देके कि हाँ हम कर देंगे, अभी जल्दी ही हम निकालेंगे, ऐड निकालेंगे, आप लोग तैयारियाँ करना, आप लोगों को ही लगा लेंगे, सबसे बड़ी बात आप लोगों को ही लगा लेंगे, इस तरह के झूठे आश्वासन देकर उनको उन्होंने इतना बेवकूफ बनाया। जो कह रही हैं आप, इनकी बात से सहमत हैं? जी सहमत हैं। और दूसरा, आउटसोर्सिंग की जो प्रथा है ये पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। आउटसोर्सिंग प्रथा में जो जितने एजुकेटेड लोग हैं, इतने साल लगा के सब एजुकेशन पा रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है आउटसोर्सिंग में, उनका क्या हो रहा है? शोषण ही हो रहा है और उन्हें कभी भी निकाल दिया जा सकता है, उससे क्या होगा? लोगों की रोजी रोटी छीनोगे तो आप किस तरफ जाएंगे? लोग, आप खुद ही टेररिस्ट बना रहे हो ना, तो ये चीज़ इस चीज़ को ख़त्म करें। आप इतने माइंडेड लोगों को किस तरफ ढकेल रहे हो? तो बेटर है परमानेंट होना चाहिए, परमानेंटशिप। दूसरा एक मुद्दा ये भी है बोनस का, जो यहाँ ऑटोनोमस बॉडी को बोनस नहीं दिया जा रहा है, जो दीपावली में दिया जाता है, तो वो हम लोगों को मिलना चाहिए। दूसरा OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम। मैं खुद पेंशनर हूँ, मैं OPS में हूँ, मैं कुलदीप पटेल वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट से, पर जो अब पुराने लोग तो जाते जा रहे हैं, नए लोग जो बचे हैं वो NPS में हैं, उसमें तो उनको क्या मिलेगा? कुछ भी पेंशन नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद अभी सैलरी लाखों में, रिटायरमेंट होते ही नेक्स्ट डे 600 रुपये, 1000 रुपये, 1600 रुपये क्या है? एक डिप्रेशन है, यानी आत्महत्या जैसा। तो इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। तो हम लोग पूरा विरोध करते हैं और उसी सरकार को वोट देंगे जो ये सारी चीज़ें हमें देगी, तो इसलिए वोट पर चोट करेंगे। लेकिन OPS को लेके इससे पहले रामलीला मैदान में बहुत बड़ा, मतलब लाखों की जनसंख्या में लोग आए थे उसको लेके, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो आप उसी को लेके अब इधर एकत्रित हुए हैं, तो क्या लग रहा है, होगा कुछ? बिल्कुल क्यों नहीं होगा, ये चुनाव को मद्देनजर देखते हुए सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे जो एजिटेशन है वहाँ उधर, इन सबकी आवाज़ बनती है धीरे धीरे और वो पूरा नेशनल लेवल पर जाती है। तो जैसे अब अलग अलग यूनिवर्सिटियों से अलग अलग यूनिट आई हैं, तो उन सबकी आवाज़ उनकी यूनिवर्सिटी जाएगी, बनारस से आए उनकी जाएगी, मेरठ से आए उनकी जाएगी, हरियाणा से आए उनकी जाएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की आवाज़ दिल्ली, ऐसे सब लोग क्लब्स होंगे और पूरी आवाज़ बनेगी और निस्संदेह देना पड़ेगा OPS। बिल्कुल, तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? भाई, सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि भाई अब वो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो भी तो पेंशन ले रहे हैं, तो गरीब लोगों का क्यों पेंशन बंद किया जाए? छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी पेंशन होती है, अब उसको भी बंद करके वो क्या क्या हासिल करना है? इसको प्रजातंत्र थोड़ा ही कहेंगे, वो तो तानाशाही बोला जाएगा। तो मैं, आपको लग रहा है कि सरकार तानाशाही कर रही है? बिल्कुल तानाशाही कर रही है सरकार, नहीं तो क्यों नहीं, कितनी बार, तो कई बार तो उनके खिलाफ कोर्ट में भी गए हैं कि भाई उनकी पेंशन क्यों है नेताओं की, उनकी क्यों है जो 30 साल सर्विस दे रहे हैं, उनकी क्यों बंद है? तो और कुछ ना कुछ तो होगा ही, सब लोग मिलकर आवाज़ देंगे तो देश तो आवाज़ से ही चलता है ना। मैम क्या कहेंगी, पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम वुंगई किम है, मैं पतलचे से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैम हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप भी पेंशन छोड़ दो, MP का, MLA का अगर छोड़ सकते हैं तो हम गवर्नमेंट नौकर को भी मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ोगे तो हमें भी दे दो। तो आप कहाँ, मतलब किस फील्ड में काम करती हैं? मैं मेडिकल लाइन में हूँ। अमेरिकन लाइन में है, तो उसी के लिए आप भी OPS और ये जो है इसी को लेके आई हैं आप यहाँ पे? मैम यहाँ पे बहुत मुद्दा है हमारा। हाँ। हमारा सरकार क्या करते हैं, दिवाली का नाम पे बोनस भी निकालते हैं और ऑटोनोमस को नहीं देते हैं। क्यों? हम स्टेप मदर का बच्चे हैं क्या? हम भी तो सरकारी नौकर हैं, फिर भी इन्होंने दो जगह पे पाता है, सेंटर सरकार और ऑटोनोमस सरकार, मतलब हर जगह पे आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हो, वो चीज़ बहुत गलत है। अगर देते हो तो सबको बराबर दे दो, अगर है नहीं देना है तो सबको मत दो, जिस तरीके से आपने बताया। लेकिन सर वही सवाल यही उठ रहा है ना कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, एकत्रित हुए हैं, तो क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आप लोगों की? सरकार को सुनना पड़ेगा बिल्कुल, जो है क्योंकि अभी 5 जगह विधानसभा के चुनाव हैं, इसके बाद 24 में है लोकसभा का चुनाव। सरकारी कर्मचारी
सरकार बनाते हैं और जब उनको हक नहीं दिया जाता सरकार उखाड़ भी सकते हैं बिल्कुल। लेकिन कहा जा रहा है ना सरकार काम कर रही है, लोगों के भले के लिए काम कर रही है, हित में काम कर रही है, जनता खुश है उनसे, आगे भी उन्हीं की सरकार बनेगी 2024 में भी। हम बिल्कुल मान रहे हैं सरकार काम कर रही है, हमारी डिमांड यह है कि हम उस सरकार को वोट देंगे जो सरकार ओपीएस बहाल करेगा, जो सरकार जिसके मैनिफेस्टो के अंदर ओपीएस नहीं लिखा होगा उस सरकार को हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे जो है। और जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं सबके रिश्तेदार होते हैं हर एक जगह पर, 24 स्टेट सारे स्टेटों के लोग आए हुए यहाँ पे जो है, वो इतनी ताकत रखते हैं, अभी पता लग जाएगा आपको 5 जगह जब विधानसभा चुनाव है, जिसके मैनिफेस्टो के अंदर ओपीएस लिखा होगा, जिसके मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को पक्का किया जाए, हम उस सरकार को वोट देंगे जो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ये लोग जो ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं, जहाँ पे 2004 के बाद जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया गया था और न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी, तो उसी को लेकर ये डिमांड कर रहे हैं। तो आप इनकी बात से कितना सहमत है हमें ज़रूर बताइएगा और देखते रहे जनता आवाज़।